लगी हूँ यखनी पुलाव, चिकन यखनी पुलाव। तो मैंने चिकन की यखनी रख दी है, बस नमक रह गया था, नमक डाल रही हूँ। बाकी वही जो चीज़ें यखनी में डलती हैं। प्याज को अच्छा सा हमने कलर देना है ताकि पुलाव का कलर भी हमारा अच्छा आए। चिकन मैंने निकाल लिया यखनी में से, इसके बाद मैं चिकन डाल दूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेट हो गई है रेडी, तो इसको मैं रख देती हूँ अभी फ्रिज में और चावलों को मैं लगाने लगी हूँ दम। तो बस ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, जैसा कि आपने व्लॉग के स्टार्ट में देख लिया। तो मैं पुलाव बना रही थी इस वक्त। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मुझसे ना मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने कैमरा रख के अब मिक्स किया है। माशाल्लाह इसका परफेक्ट कलर आया है, अच्छा टेस्ट आया है और दम अच्छे से लग गया है, तो बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो जब हम तो जी खाना वगैरह तो हो गया दोपहर का, तो बस अब शाम की इस वक्त मैं चाय पी रही हूँ। और जी मेरी लास्ट कुछ दिनों में माशाल्लाह जितने भी सब्सक्राइबर आए हैं, मैं उनका जो है थैंक यू करना चाहती हूँ। माशाल्लाह उन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया और इतनी जल्दी जल्दी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो उन सब सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू। और जी जो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर मेरी सिस्टर बनी हुई हैं, उनकी तरफ से भी माशाल्लाह मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आए, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम इस वक्त तो निकल पड़े थे घर से और टाइम हो रहा था 11 बजने वाले थे। हमने लिया हुआ था ज़्यारत का, रियाजुल जन्ना का टाइम लिया हुआ था, तो बस हमने कहा था 11:30 बजे का टाइम था, तो हम लोग 9:45 बजे घर से निकल आए थे। तो बस हरम शरीफ चलते हैं, और जो कि हम अभी थोड़ी देर में हरम शरीफ पहुंच जाएंगे। और ये है जी अहमद ने भी आज टोपी पहनी हुई है और बहुत क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से ईमान भी जाएगी मेरे साथ, क्योंकि इसके बाबा ने ईमान का भी जो है ना मेरे साथ ही टाइम ले लिया था। तो जी हरम शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं, और प्यारा सा खूबसूरत सा मंज़र गुंबद खजरा आँखों के सामने दिल को सुकून दे रहा है। टाइम तकरीबन हो चुका था, तो बस मैं जो है ना इस वक्त जा रही थी अंदर ज़्यारत करने के लिए, और बिल्कुल सुकून था और हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही थी। तो जमज़म आ गया, पहले जमज़म पिया यहाँ से मैंने भी ईमान ने भी, और फिर हम आगे चल पड़े। इस वक्त जो दिल की कैफियत थी ना, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जो इस जगह को देखकर मुझे महसूस हो रहा था, एक गुंबद खजरा को देखकर इतना सुकून मिल रहा था। जब इस जगह पर अंदर दाखिल हुई तो ऐसे एकदम से दिल को सुकून मिल गया, और बस दिल कर रहा था कि एक एक चीज़ को जो है ना मैं वो कैमरे में महफूज कर लूँ, ताकि मैं फिर बाद में भी देख सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। और ये लम्हात दिल को सुकून दे रहे थे, आँखों को ठंडक दे रहे थे, और बस अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा था कि हम इस वक्त इस प्यारी सी जगह पे मौजूद हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोग भी इस जगह को देखकर महसूस कर सकें जैसे आप भी मेरे साथ हैं। या अल्लाह पाक, मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस बाबरकत महीने में इस बाबरकत जगह पे आना नसीब किया। इसके बाद अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद व सलाम पेश करती हूँ, और अपने उन सब अज़ीज़ो अकारब रिश्तेदारों की तरफ से भी सलाम पेश करती हूँ, जो कि मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं उनकी तरफ से भी सलाम पेश करूं और उनके लिए दुआ मांगूं। तो बस मैं उनके लिए भी दुआ मांगती हूं और उनकी तरफ से सलाम पेश करती हूं।
और जो मेरी वीडियो में सबसे पहले कमेंट्स करते हैं, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर, मेरी प्यारी सी बहन कुमेल हैदर, वो मुझे उन्होंने स्पेशल मुझे कहा था कि मैं उनके लिए दुआ करूं, उनकी तरफ से सलाम पेश करूं, तो मैंने आपकी तरफ से भी सलाम पेश कर दिया है। और आपने अपनी बहन के लिए कहा था, हिना के लिए, तो उनके लिए दुआ मांगूँ, मैंने उनके लिए भी यहाँ पर स्पेशल दुआ मांगी है। तो जी, इस वक्त हम बाहर मौजूद हैं, वापस आ गए थे वहाँ से, जो कि दिल नहीं कर रहा था आने को। अल्हम्दुलिल्लाह नफिल भी पढ़ लिए थे, दुआ भी आराम से मांग ली थी, क्योंकि इतना रश नहीं था, सुकून का टाइम था। तो मैंने अपने हस्बैंड को ख़ुद ही कहा था कि आप लेट नाइट का टाइम लीजिएगा, ताकि हम तसल्ली से जो है वो अंदर आराम से जा सकें। बस अब घर जाने लगे हैं, टाइम जो है वो काफ़ी हो गया था, क्योंकि पहले हम गए हुए थे, फिर हम लोग बाहर आए हैं, तो हस्बैंड का टाइम था, वो चले गए थे अंदर ज़्यारत के लिए, तो फिर उनको आते आते तकरीबन काफ़ी देर हो गई। तो बस अब जो है ना घर चलते हैं। हवा माशाल्लाह इतनी तेज़ चल रही थी ना कि सामने मैं आपको दिखा रही थी, दरख्त पत्ते इतने हिल रहे थे, पता लग रहा था कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छी और तेज़ हवा है। टाइम चुके काफ़ी हो गया था, तो भूख भी लग रही थी, हमने कहा चले अल बेक लेते जाते हैं घर। और आज अहमद साहब भी मेरे साथ आए हैं, वरना हमेशा इसके बाबा इसको गाड़ी में रोक के रखते हैं कि ऊपर रश होता है ना लेकर जाओ, स्टेयर्स होती हैं, तो बस इसी वजह से आज ऊपर आया, तो इसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, तो बहुत हैप्पी था कि मैं कहाँ नई जगह पर आ गया हूँ आज। आ गए हो, अपनी मर्जी से खुद आते हो। मम्मी के पास कहते नहीं मेरा नहीं आना, आगे हमारी गाड़ी। अच्छा जल्दी करो जल्दी करो, गाड़ी में बैठ 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 बैठ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगना भी चाहिए, माशाल्लाह इतनी प्यारी जगह दिखाई है आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।